कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इंटक जिला कमेटी की तरफ से हमीरपुर अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए। साथ ही कमेटी के सदस्यों ने चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए हमीरपुर के कड़ोहता गांव के अंकुश ठाकुर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इंटक कमेटी के जिलाध्यक्ष बुद्धि सिंह ने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इंटक जिला कमेटी की तरफ से हमीरपुर अस्पताल में फल बांटे गए और साथ ही उनकी दीर्घ आयु की भी मनोकामना की गई। सबसे पहले तो मैं जो हमारा भारत चाइना के बीच जो संघर्ष विवाद हुआ था उसमें जो हमारे अंकुश ठाकुर हमीरपुर के कड़ोता पंचायत के जो शहीद हुए हैं उनको इंटक जिला कमेटी की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं और इंटक जिला कमेटी की तरफ से हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में भगवान जो है उनको शक्ति प्रदान करे। और आज जो हमने ये फल जो हम हॉस्पिटल में बांट रहे हैं इसका जो मेन पर्पस है आज हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है श्री राहुल गांधी जी आज उनका जन्मदिन है उसके उपलक्ष पर जो आज हम हॉस्पिटल में फल जो है वो बांट रहे हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो वो स्वस्थ रहे और आने वाले टाइम में वो बुलंदियों को छुए। इंटक कमेटी के जिला अध्यक्ष बुद्धि सिंह ने बताया कि आज के समय जो वैश्विक महामारी फैली है हम सबको इससे बचना है और साथ ही अपने परिवार वालों को भी इस महामारी से बचाना है। उन्होंने कहा कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें और ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। आजकल जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसके उपलक्ष्य में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज जो है कोरोना जो है एक चरम सीमा पर है तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अपना बिल्कुल ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का अपना पूरा ध्यान रखें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का जो है पूरा यूज जो है वो करें, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना ख़त्म हो गया है लेकिन अभी भी ये पूरा ध्यान रखने की बात है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन तैयार हुई है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि बार बार जब भी आप ऐसे स्पॉट पर जाएं, भीड़ भाड़ इलाके में जाएं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और जब भी ऐसे आपके कहीं हाथ इधर उधर जैसे आपको लगता है कोई संदेह है तो हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, सैनिटाइज नहीं करते हैं तो साबुन से जो है वो अपने हाथों को जो है वो धोते रहें।